हेलो प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईबीपीएस का, आईबीपीएस पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर का जो है नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। उस पर 3000 के आसपास कुछ वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, 3000 प्लस वैकेंसियाँ हैं, कम नहीं हैं। तो उसमें जो सिलेबस में बदलाव हुआ है इस बार का, वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, किस मेथड से, किस स्ट्रेटजी से आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, ये आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि आपको ये वीडियो देखने के बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और आपको ध्यान से जो मैं कहता जाऊँगा वो सुनना है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन व्हिच विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन आर एज फॉलो। जैसा कि आपका सीबीटी एग्ज़ाम हर पेपर हर आपका अथॉरिटी करवाती है, कंडक्ट करवाती है, वैसे आईबीपीएस भी आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। और इसकी फ़ीस जो रहने वाली है वो 175 है एससी एसटी के लिए, और अपने सबके लिए यानी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 850 यानी 850 जो रुपीज़ फीस रहने वाली है। तो यहाँ पे जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, एक प्री एग्ज़ाम होता है, एक होता है मेंस एग्ज़ाम। इसमें दो टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आपका यूपीएससी कंडक्ट करवाता है प्री और मेंस एग्ज़ाम। तो यहाँ पे पहले में प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है। तो नेम ऑफ द टेस्ट, यानी तीन सेक्शन आपके इसमें पूछे जाते हैं, कौन कौन से, इंग्लिश लैंग्वेज और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी पूछी जाती है। तो इंग्लिश का जो क्वेश्चन होता है वो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 30 पाए जाते हैं मैक्सिमम मार्क्स, और 30 नंबर का क्वेश्चन पेपर भी होता है, यानी हर एक क्वेश्चन एक मार्क का होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी 35 क्वेश्चन आएंगे आपके। रीजनिंग एबिलिटी, वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ के आपके 35 क्वेश्चन आएंगे, और ये भी कितने का, हर एक क्वेश्चन एक नंबर का यानी 35 मार्क्स ये भी अपने साथ रखे रहेंगे। उसका रीजनिंग एबिलिटी आती है, तो रीजनिंग एबिलिटी आपका 35 क्वेश्चन रहेंगे 35 मार्क के। अब यहाँ पे जो आपका बाइलिंगुअल देखने को मिलेगा यानी इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में आपको 20 देखने को मिलेगा, और ईच सेक्शन के लिए 20 मिनट यहाँ पे, 20 मिनट यहाँ पे, 20 मिनट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यानी हर एक सेक्शन खुलता जाएगा। जैसे एयरफोर्स एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, अगर आपने एयरफोर्स का नहीं दिया हुआ है तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। एयरफोर्स एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की वजह कैसा कराता है, तो उसमें भी सेम तीन सेक्शन होते हैं, उसमें एक ही पेपर होता है, तीन सेक्शन होते हैं। उसमें होता है इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। पीसीएम वाली यानी क्लास 12th वाली जो मैथ होती है, वो वाली टेक्निकल मैथ होती है, फिजिक्स होता है, और आपका इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश का सेक्शन होता है पेपर। तीन पेपर हो गए, और अलग अलग के लिए उन्होंने सेक्शनल कट ऑफ भी रखी है, और सेक्शनल टाइम दिया जाता है, यानी हर एक पार्ट के लिए आपको 20 मिनट दिया जाएगा। उसमें भी 20 यानी एक घंटे में आपको 70 क्वेश्चन करने रहते हैं। 20 इंग्लिश का होता है, 25 फिजिक्स का होता है, और 25 मैथमेटिक्स का होता है। कुल मिलाकर एयरफोर्स में 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक घंटे में आपको 70 क्वेश्चन करने होते हैं, और ईच सेक्शन के लिए 20-20 मिनट दिया जाता है। सेम वही प्रोसेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी ईच सेक्शन के लिए 20 मिनट दिया जाएगा, उससे ओवर नहीं आपको दिया जाएगा। उसे 20 मिनट के अंदर आप कर सकते हो तो करिए, नहीं कर सकते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको अपनी एक्यूरेसी बनानी रहती है। वहाँ पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट होता है, पेपर कितना भी हार्ड आए उससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो आपको 25 क्वेश्चन को 20 मिनट में करके निपटा देना है। यहाँ पे तो 30 क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश तो आसानी से हो जाता है 20 मिनट में, लेकिन अगर बात की जाए मैथमेटिक्स की और रीजनिंग की, तो इसके लिए 20 मिनट जो है पर्याप्त नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वही हुआ जैसे यहाँ पे रीजनिंग हो गई, रीजनिंग में भी कैलकुलेशंस आती हैं, और अगर देखा जाए फिजिक्स में भी, तो फिजिक्स में भी कुछ आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल हो जाते हैं, इन कुछ को भी लगाना पड़ता है। और बात रही अगर हम करें टेक्निकल मैथ की, तो उसमें तो आपको 20 मिनट पर्याप्त ही नहीं होते हैं, क्योंकि टेक्निकल मैथ है, अगर वो इंटीग्रेशन आ गया, डिफ्रेंसिएशन आ गया, तो उसमें तो आपके लग गए फिर, यानी वो तो लगाना ही पड़ेगा आपको, किसी भी तरीके से आपको उसको लगाना ही लगाना है, और 20 मिनट में आपको कवर करना होता है। तो वैसे यहाँ पर भी है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी जो है, इसमें आपको कैलकुलेशन देखने को मिलेगा, और 20 मिनट में कैलकुलेशन होना पॉसिबल नहीं हो पाता है कैंडिडेट्स के लिए। तो ये जो टाइम यहाँ पे अलॉटेड किए गए हैं 20 मिनट, ये सेक्शनल है टाइम, 20 मिनट में आपको इंग्लिश करना है, कर लिए तो ठीक, नहीं तो आप अपने आप टाइम अप हो जाएगा, दूसरा सेक्शन चालू हो जाएगा, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो सेम यहाँ पे मैं बताने वाला था। तो थोड़ा एग्ज़ाम टफ इस वजह से बन जाता है, और कुछ नहीं, यहाँ पे इंग्लिश मैथ अगर टाइम पर्याप्त मिल जाए तो हर बच्चा निकाल ले जाए, लेकिन टाइम पर्याप्त ना मिलने के कारण बच्चे आउट हो जाते हैं, क्योंकि टाइमिंग मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको पहले से ही क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस से ही एक इंसान जो है वो महान बनता है। यानी प्रैक्टिस आप करते रहोगे तो वो क्वेश्चन आपको देखोगे तुरंत लग जाएगा, और अगर आपने पढ़ा है प्रैक्टिस नहीं की है तो क्वेश्चन देखोगे तो टाइम जरूर लेगा वो, इतना है तय है। तो आपको प्री एग्ज़ाम में ये तीनों सेक्शन हो जाते हैं, और तीनों सेक्शन हार्ड बनने की वजह मैंने आपको बता दिया, जो 20-20-20 टाइम जो दिया हुआ है, मेन वजह ये है हार्ड बनने के एग्ज़ाम की। और ये 30-35-35 से कुछ मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये तो आराम से लग जाते हैं, लग जाएंगे अगर टाइम पर्याप्त मिल जाए तो।
आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद क्या होगा, यानी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द थ्री से टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय IBPS एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन ईच कैटेगरी एज डिसाइडेड बाय IBPS डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन। तो कहने के बाद हुआ जैसे एयरफोर्स आपका IAAF कंडक्ट कराता है तो वहाँ पर भी वही सेम कंडीशन होती है कि 20 यानी सब क्वेश्चन 20 और 70 क्वेश्चन रहते हैं आपके, ईच सेक्शन में आपको मिनिमम कट ऑफ क्वालिफाई करना रहता है जो एयरफोर्स आपको कंडक्ट करवा के देता है। यानी जब मैंने पेपर दिया था तब ये मतलब होता था मेरे 20 out of 20 आए थे इंग्लिश में, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इंग्लिश की स्ट्रेटजी मैं आपको बता के भी जाऊँगा कैसे आपको पढ़ना है। तो इंग्लिश 20 out of 20 आए थे मेरे, तो उसमें ये रहता है कि 20 में से आपको इंग्लिश में मिनिमम 8 नंबर लाना पड़ेगा, अगर उसके नीचे हो तब भी आप फेल माने जाओगे। और फिजिक्स में था तो फिजिक्स में 25 क्वेश्चन थे, उसमें भी आपको 9-10 के आसपास जाती थी, 10 मिनिमम कट ऑफ थी कि 10 के ऊपर आपके फिजिक्स में होने चाहिए, वरना अगर आप इंग्लिश करके बैठे हो 20 में 20 और आपका मैथ करके बैठे हो 25 में 25, अगर फिजिक्स में आपके 7 नंबर हैं 6 नंबर हैं तब भी आपको फेल माना जाता है वहाँ पर। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी IBPS यहाँ पर नोटिफिकेशन में बता रहा है कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क तो गेन करना होगा, नहीं तो जितना वो करेंगे जैसे 20 में से आपका इंग्लिश के 30 क्वेश्चन है तो वो कुछ करके रखेंगे, 10 क्वेश्चन आपको करने हैं, 10 के आगे आपके नंबर होने चाहिए। और मैथमेटिक्स में 35-35 हैं, रीजनिंग और मैथमेटिक्स मिला के, तो इसमें भी कुछ क्राइटेरिया रखेंगे कि इसके ऊपर आपके होने चाहिए नहीं तो आपको फेल कर दिया जाएगा, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब यहाँ पे हो गई बात कट ऑफ मार्क्स की, तो वहाँ पे वही इंग्लिश का 8 नंबर हुआ करता था, फिजिक्स का और मैथ का 10-10 नंबर हुआ करता था, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क होता था इसको पास करना मैंडेटरी होता था वहाँ पे। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी है कि आपको इंग्लिश में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी में आपको मिनिमम मार्क्स गेन करने होंगे, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि आपको कितना कितना क्राइटेरिया कट ऑफ को पार करना है। चलिए अब बात करते हैं प्री मतलब मेंस एग्जाम्स के बारे में। यहाँ मेंस एग्जाम आपका क्या कहता है, तो मेंस एग्जाम है कि नेम ऑफ द टेस्ट नॉट बाय सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस में नहीं रहेगा, ये आपका आगे पीछे हो सकता है एग्जाम में कि पहले आपका रीजनिंग कंप्यूटर आ जाए या पहले आपका इंग्लिश लैंग्वेज आ गए। अब देखो दूसरे में भी क्या, दूसरे में भी इंग्लिश लैंग्वेज ने पूछा है, यानी प्री में भी इंग्लिश पूछा जाएगा, सेकेंड में भी इंग्लिश पूछा जाएगा। तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड है इसमें, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस है, यानी आपका जनरल अवेयरनेस जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे, जनरल यानी GK के क्वेश्चन आएंगे, वो किससे रिलेटेड रहेंगे आपके उससे इकोनॉमी जो आपका सेक्शन होता है बैंकिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज आपके होंगे और डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होगा, ये आपका बैंक का एक चैप्टर ही होता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब आपको ये ज़रूर आना चाहिए क्योंकि मेंस एग्जाम में ये ज़रूरी नहीं है तो आपको PO बनना है भाई, प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना है, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी तो पड़ेंगी। अब रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के आपके 45 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग के आपके 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज के फिर यहाँ पे 35 क्वेश्चन हैं, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के फिर यहाँ पे 35 क्वेश्चन हैं, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल 155। और यहाँ पे हर एक मार्क्स के लिए यानी मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स हो जाएगा 60, यहाँ पे 40 हो जाएगा, यहाँ पे 35 का फिर 40 हो जाएगा, यहाँ पे 35 का 60 हो जाएगा, वो अपनी तरफ से अलॉटेड किए हैं। उसमें कोई क्वेश्चन एक नंबर का भी है, कोई एक पॉइंट समथिंग करके होगा, वो उनका है मैटर, यहाँ पे आपको पास करना पड़ेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ मार्क्स कितने होंगे, 200, यानी 155 क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ मार्क्स आपको 200 दिए जाएंगे, और सबका जो बाइलिंगुअल रहेगा यानी हर एक चीज़ आपकी बाइलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी में, और इंग्लिश तो इंग्लिश में ही रहती है, और बाकी जो चीज़ें होंगी वो बाइलिंगुअल आपको देखने को मिलेंगी, तो ये आसान हो जाता है। अब यहाँ पे रीजनिंग और कंप्यूटर जो एप्टीट्यूड होता है वो आपको 60 मिनट में, अब ये तब आप इस पेपर को कंडक्ट करा पाओगे, कंडक्ट मतलब दे पाओगे तभी जब आप पहला पेपर क्वालिफाई करोगे, यानी जो प्री वाला पेपर है उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपका ये पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। तो 60 मिनट आपको दिया जाएगा टाइम, पहले रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए, दूसरा जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग के लिए 35 मिनट आपको दिए जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए यहाँ पे 40 मिनट है, वहाँ पे 30 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट दिया था, यहाँ पे 40 क्वेश्चन यानी 35 क्वेश्चन के लिए आपको 40 मिनट दिया जा रहा है। आप इतना सोच के चल सकते हो, वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा थे तो टाइम मिनिमम था, अब यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है टाइम अप है, टाइम ज़्यादा है यहाँ पे, तो वो तो उनका है अलग से, वो आयोग है करवा देते हैं कुछ भी, तो यहाँ पे आपको टाइम अलॉटेड है आप देख सकते हो। तो आप ये पेपर तभी दे पाओगे जब आप प्री पेपर को क्वालिफाई किए रहोगे। और उसके बाद यहाँ पे अलग से भी एक चीज़ें होती हैं, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग एंड SA होता है, तो ये आपका नंबर ऑफ इसमें क्वेश्चन दो टाइप के रहेंगे और 25 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा, और इसका जो लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश होगा, 30 मिनट आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। और प्री एग्ज़ाम जो मेंस एग्ज़ाम जो हो जाएगा उसके लिए आपका जो मैक्सिमम टाइम रहेगा वो ड्यूरेशन रहेगी 3 घंटे का, आपको उसका एग्ज़ाम करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसमें क्वालिफाई माने जाओगे।
तो ये था इसका क्राइटेरिया। अब इंग्लिश का जो सेक्शन है आपको पढ़ना कैसे है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एनी चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड थ्रू ऑथराइज्ड IBPS वेबसाइट www.ibps.in। अदर डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन विल बी गिवन इन द एन इन्फॉर्मेशन हैंड आउट। यानी अगर कोई बदलाव चेंजेस किए जा रहे हैं तो आपको IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। अगर कोई बदलाव होता भी है तो मैं आपको बता दूंगा। अब बात आई आपकी इंग्लिश की पढ़ने की, तो इंग्लिश आप कैसे पढ़ोगे तो वो यहाँ पे मैं डिस्कस कर लूँ। और आपको देख लो मैं पीओ, हाँ पीओ जो बनते हैं वो कहाँ कहाँ पे बन सकते हो आप। यहाँ पे लिखा था अभी कि बैंक ऑफ इंडिया में, पंजाब नेशनल बैंक में कितनी पोस्टें कितनी सबके लिए थी, ये भी देखो। वन मिनट ये रहा यहाँ पे, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए हैं, बैंक ऑफ इंडिया के लिए हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक हो गया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, इन सभी यानी अगर आप क्वालिफाई करते हो पेपर तो इन सभी में आप क्या बन जाओगे, प्रोविजनरी ऑफिसर PO बन सकते हो आप। अब हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज का, तो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। आप पेज खाली है तो इंग्लिश की बात करूँ मैं, तो आपको फोकस किस पे करना है। अगर आपको पहला जो पेपर है प्री आपको क्लियर करना है तो आपका 30 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के। अब 30 क्वेश्चन आपको क्लियर क्या करने पड़ेंगे, तो आपको ग्रामर बेसिकली हटा देना है, कुछ देर के लिए ग्रामर को हटा देना है, क्योंकि ग्रामर एक लिमिटेड सब्जेक्ट है। अगर आपने पहली बार कहीं भी पढ़ा है, CGL के लिए पढ़ा है, CHSL के लिए पढ़ा है या एयरफोर्स के लिए ही पढ़ा है, तो आपको इंग्लिश जो ग्रामर है वो आपका कंठस्थ होगा, आपको रटा होगा कि इसके बाद ये लगेगा उसके बाद वो लगेगा। बात रहती है जो वेरी करते रहते हैं, चेंजेस जिसमें देखने को मिलते हैं वो होते हैं सिनोनियम। सिनोनियम का भंडार है, इतिहास है, बहुत है, इतना है कि याद भी नहीं किया जा सकता है। तो आपको मेन फोकस करना है सिनोनियम पे, सिनोनियम्स और एंटोनियम्स अगर आपको याद हो गया, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो गया, इडियम एंड फ्रेज, ये 4 सेक्शन आपके किसी भी एग्ज़ाम का हो, किसी भी एग्ज़ाम में अगर इंग्लिश पूछी जाती हो, अगर आपका 4 सब्जेक्ट, 4 जो चैप्टर मान सकते हो आप, सिनोनियम एंटोनियम हो गया, इडियम फ्रेजेज हो गए, और आपका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो गया, अगर ये आपके मजबूत हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा, इंग्लिश का हो जाएगा पक्का। क्योंकि मेन यही आपका हर एक, जैसे NDA में होता है तो NDA में 50 इंग्लिश के क्वेश्चन आते थे, 50 में सारा का सारा मीनिंग का खेल लेता था, ग्रामर कहीं आता ही नहीं था, ग्रामर आता था 10 क्वेश्चन आता था। 40 में आपको मीनिंग खेलना है तो 40 अगर मीनिंग याद है आपको तो 40 क्वेश्चन आप करोगे तो 10 क्वेश्चन के लिए भागोगे। और जो लिमिटेड है उसको तो सभी याद करते हैं, जो अनलिमिटेड है अगर आप वो याद करते हो तो आप आगे हो उनसे, ये कहना चाहता हूँ मैं। तो आपको फोकस मेन किस पे करना है, तो सिनोनियम आपको साइनो याद कर लो और एंटोनियम आपको याद करने पड़ेंगे। अब कितने याद करने पड़ेंगे ये मैं आपको एक चैनल कंडक्ट मतलब क्या करवाता हूँ, चैनल कराता हूँ महिंद्रा गुरु, आप देखते हो, देखते रहोगे, जो महिंद्रा का चैनल ऑफिशियल चैनल है उस पे पढ़ाते थे हमारे संदीप केसरवानी सर, तो उनसे मैंने इंग्लिश याद की थी, वो वोकेबुलरी याद की थी, कम से कम 5,000 के आसपास, 4,000 5,000 के आसपास जो उन्होंने ट्रिक वाइज याद कराई थी, मैंने उन सबको लिखी थी, 4,000 5,000 के आसपास मीनिंग मैंने याद की थी। अब इस टाइम पे ना याद हो, क्योंकि एयरफोर्स का ओवरेज हो गया, मैं तो नहीं भर सकता फॉर्म, तो छूट गया इंग्लिश, SSC GD वगैरह ऐसा देखने लगा मैं, हिंदी वगैरह, CGL के लिए भी मैंने एक बार अप्लाई किया था, तो इंग्लिश उसमें भी अच्छा खासा मेरे मार्क्स इंग्लिश में आए थे, और कहा नहीं बात कर रहा हूँ मैं, मेन इंग्लिश में अच्छा खासा था। एयरफोर्स में बाई लेकर आया हूँ मैं, 20 में out of 20 लेकर आया था मैं इंग्लिश में। और तो ये बता रहे हैं मैं, सिनोनियम और एंटोनियम आपको याद करने पड़ेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको याद करने पड़ेंगे, मैं पक्का कह रहा हूँ कि अगर आपको ये याद हो गए तो कॉन्फिडेंस आप देखना इंग्लिश के पेपर में, इंग्लिश का कोई भी पेपर दोगे आपको सिनोनियम आपके सारे संभाल ले जाएंगे। तो बस आपको जो इंग्लिश है वो तैयार करने का ये है। अगर आप CGL पढ़े हो तो मैथ और रीजनिंग की कोई भी दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, उसका हो जाएगा। हाँ ये है कि बैंक की रीजनिंग होती है तो थोड़ा सा उसमें जो अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैंक से रिलेटेड, वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको आप पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश का मैंने बता दिया, इंग्लिश आप ऐसे तैयार कर सकते हो। सो आपको इसी भी पे इसी स्ट्रेटजी पे आपको तैयारी करनी है। IBPS का फॉर्म आप फिलअप कीजिए, अगर 850 रुपीज़ फीस है, क्योंकि अगर भरने के बाद अगर एग्ज़ाम भी नहीं निकलता है तो दुख होता है कि 850 रुपये फीस भी चली गई, 850 नहीं लेते हैं, साइबर कैफे से अगर आप भरवाओगे तो 1,000 ले लेंगे पूरा पर्याप्त, और 1,000 रुपये चले गए, पेपर भी नहीं निकलता है तो दुख भी होता है। तो आपको पेपर में डट के लग जाना है, पेपर क्वालिफाई करना है। सो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ, और रही बात इसकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ को, तो वह मैं अपने अगर कम्युनिटी पोस्ट पर डालना चाहूँगा डाल दूँगा, वरना मैं वीडियो को थोड़ा आपको कंडक्ट करवा दूँगा। सो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो जय हिंद एंड जय भारत।